अध्याय 8 पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसाव का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा, 1 महीने में सिर, 2 महीने में हाथ और 2 हिस्से, 3 महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, 4 महीने तल पदार्थ, 5 महीने भूख प्यास, 6 महीने बच्चा दानी के बाएं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भशाला में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।